जी भाई माशाल्लाह कुदरती नज़ारा है, जो खुदा की एक नेमत है हमारे इलाके में, तो माशाल्लाह हमें बहुत अच्छा लग रहा है इधर आके। तो यहाँ से जो पानी आ रहा है वो है गर्म, नहीं बल्कि यहाँ से जो पानी आ रहा है वो गर्म है और ऊपर से जो पानी आ रहा है वो ठंडा है। ये आपको सीन दिखाऊँ, ये जो पानी आ रहा है वो गर्म है, सही है, और ऊपर से जो पानी आ रहा है वो ठंडा पानी है। तो इस जगह पे आके पानी ठंडा और गर्म एक जगह पे मिक्स होते हैं। तो भाई लोग, मेरा नाम अजाद हसन और मैं सून वैली से हूँ। तो आज ईद का तीसरा दिन है और हमारा प्लान बन रहा है कनहट्टी गार्डन की तरफ जाने का। तो सीन कुछ ऐसा है, आज ये हमारे साथ है, ये आप देख सकते हैं छोटा हादी, ये साथ बिलाल है और हम एक लड़के का इंतज़ार कर रहे हैं जो बाइक ले आएगा, उसके बाद हम निकल जाएंगे कनहट्टी गार्डन की तरफ। तो मेरी बाइक तो रेडी है, ये आप देख सकते हैं, तो वो जब भी आएगा फिर हम निकल जाएंगे कनहट्टी गार्डन की तरफ और फिर आपको वहाँ का सीन दिखाते हैं। तो अभी हम यहाँ, ये चौक है, ये आपको दिखाऊँ यहाँ पे। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं तो कनहट्टी गार्डन की तरफ जा रहे हैं। तो भाई लोग, कनहट्टी गार्डन में हमने रास्ते में सोचा क्यों ना कुछ खाने पीने की चीज़ें ले लें। तो चलिए, हमारे साथ यहाँ पर एक होटल है, यहाँ से हम कुछ चीज़ लेते हैं। और आज तू क्या कहते हैं, आज क्या लेना चाहिए? तो यहाँ पर हम आ चुके हैं, तो अभी यहाँ पर हम मेन्यू देखते हैं क्या क्या मेन्यू है यहाँ पे, फिर हम कुछ चीज़ें लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो ये मेन्यू है यहाँ का, बिरयानी सही है, चिकन चिकन बिरयानी करवा लेते हैं। भाई लोग, फाइनली हमने ये चूज कर लिया है चिकन बिरयानी, यहाँ से आप जो है वो तीन चिकन बिरयानी करवाएंगे, ये देखते हैं। तो भाई लोग, फाइनली तकरीबन 20 से 25 मिनट इंतजार करने के बाद बिरयानी जो है वो पैक हो चुकी है। इधर दिखाना, ये जो तीन हाफ है वो बोतल है। तो भाई, जो हमारे साथ था वो बाइक लेकर चला गया है, अभी हम चार हैं, ये दो छोटे हैं, ये एक साथ बड़ा है, यानी हम दो हैं और ये दो छोटे हैं और एक बाइक है और दूसरी बाइक वो ले गया है। तो अभी वो आएगा, अभी उसका वेट करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे। तो अभी हमने प्लान बनाया है कि यार अभी हम जो चार हैं इसी पे बैठेंगे जब तक वो रास्ते में हमें नहीं मिलता। तो बैठो भाई। तो भाई लोग, फाइनली हम बैठ गए चार, अभी जा रहे हैं भाई। चलो भाई लोग, अभी हम तकरीबन थोड़ा सा फासला रह गया कनहट्टी गार्डन का, तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर का फासला रहता है। अभी हम एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे खड़े हैं, आप यहाँ का नज़ारा देखें। ये सामने पीछे जो पहाड़ी देख रहे हैं ये कनहट्टी गार्डन की है, तो यहाँ पर ही हमने जाना है। तो वहाँ जाकर आपको व्यू दिखाते हैं, बहुत लेवल का व्यू है। और हमने रास्ते में देखा काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आ रहे थे, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि यार अगर आप बाइक पर आते हैं और 100 से ज़्यादा किलोमीटर का सफ़र तय कर रहे हैं तो खुदारा थोड़ा सा आहिस्ता चलाया करें, 10-15 मिनट लेट ही सही लेकिन सही सलामत पहुंच जाएं। तो भाई लोग, फाइनली हम पहुंच गए हैं कनहट्टी गार्डन, ये इसका एंट्रेंस गेट है, यहाँ से हम अंदर जाते हैं और आपको इसका व्यू दिखाते हैं, ये कितना खूबसूरत है। यहाँ एक तो बाग है, पहाड़ हैं और चश्मे हैं, तो आप खुद ही सोचें यहाँ का मंजर कैसा होगा। तो चलिए, यहाँ अंदर हम जाते हैं और आपको सबसे पहले बाग की सैर कराएंगे, फिर आपको जो चश्मे हैं वो दिखाएंगे। तो चलिए मेरे साथ। भाई लोग, यहाँ से रास्ता बांधे, मेरे ख्याल में बाइक तो आगे नहीं जाने दे रहा है, ये भाई आगे गया था लेकिन मैं तो इधर वीडियो बना रहा था। तो अभी हम दूसरी साइड से जाएंगे क्योंकि हम यहाँ यहीं के हैं तो हमें रास्ते वगैरह पता हैं, ठीक है। तो हम दूसरी साइड से जाएंगे और आबशार की तरफ जाएंगे, बहुत ही प्यारी प्लेस है। तो ये भाई कह रहे हैं बहुत ही प्यारी प्लेस। आगे आप लोग गए थे पैदल? सही है, ये पैदल जाने दे रहे हैं लेकिन बाइक वालों को नहीं जाने दे रहे हैं। हम दूसरी साइड पे जाएंगे तो वहाँ आबशार आपको दिखाते हैं।
चलिए। तो भाई लोग यहाँ पे हमने बाइकें खड़ी कर दी हैं, यहाँ पर एक घर वगैरह बना हुआ है, दूसरी जगह पे हमने बाइकें खड़ी कर दी। हम दूसरी साइड से आए हैं, तो अभी हम जा रहे हैं वाटरफॉल की तरफ। तो भाई लोग फाइनली हम पहुंचने वाले हैं सबसार में। थोड़ी सी एहतियात करनी है यहाँ से, क्योंकि रास्ता मुश्किल है, बस आपने देख कर चलना है। तो आप फिर एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर पहुंच जाएंगे, वो आपको उसका नज़ारा दिखाते हैं। तो ये लेवल है, जो है खुशाब से आया। तो अभी हम इनसे पूछते हैं भाई, इन्हें यहाँ आकर कैसा लगा है? तो अस्सलाम वालेकुम, जी वालेकुम सलाम भाई। तो यहाँ आपको आगे कैसा लग रहा है? जी भाई माशाल्लाह, कुदरती नज़ारा है, जो खुदा की एक नेमत है हमारे इलाके में। तो माशाल्लाह हमें बहुत अच्छा लग रहा है इधर आके। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं या पहले भी आए हैं यहाँ पे? नहीं भाई, इधर कुलेटी बाग में तो मैं दूसरी दफ़ा आ रहा हूँ, लेकिन इस जगह पे फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। ये आप देखें, काफ़ी खूबसूरत जगह है। तो भाई यहाँ तमाम लोग काफी एंजॉय कर रहे हैं। तो भाई लोग यहाँ आकर देखकर बहुत लेवल का सीन है यार। ये पीछे आप देखे, ऊपर से आबशार पानी नीचे गिर रहा है, तो मैं कहता हूँ कमाल हो गया है। देखने के लिए आप आए और यहाँ का विजिट करें, बहुत लेवल की जगह है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप कनाटी गार्डन आए तो इस जगह को मिस मत करें। तो अभी हम नेक्स्ट प्लेस पर जाते हैं, तो चलिए हमारे साथ। और भाई लोग अभी लंच टाइम हो चुका है, ये बिरयानी हमने ली थी आपको दिखाया था, सही है, अभी हम यही खाएंगे और बस। तो भाई लोग हम अब उस जगह पे आ चुके हैं जहाँ पे ठंडा और गर्म पानी आके एक साथ मिक्स होता है, वो आपको जगह दिखा दूँ। तो यहाँ से जो पानी आ रहा है वो है गर्म, नहीं बल्कि यहाँ से जो पानी आ रहा है वो गर्म है और ऊपर से जो पानी आ रहा है वो ठंडा है। ये आपको सीन दिखाऊँ, ये जो पानी आ रहा है वो गर्म है, सही है, और ऊपर से जो पानी आ रहा है वो ठंडा पानी है। तो इस जगह पे आके पानी ठंडा और गर्म एक जगह पे मिक्स होते हैं।
तो भाई लोग ये वो जगह है जहाँ पर ठंडा और गर्म पानी आके मिक्स होते हैं। ऊपर से ठंडा पानी आता है और यहाँ से आपको दिखाऊं, यहाँ से गर्म पानी आता है और इस जगह पे आके मिक्स हो रहे हैं। ऊपर से ठंडा पानी आ रहा है, नीचे ये गर्म पानी आ रहा है, तो यहाँ पे आके मिक्स हो रहा है। तो भाई लोग आपको एक जगह दिखाने जा रहा हूँ, ये ऊपर आप देख सकते हैं। जब जंजला आया था अभी तकरीबन एक मंथ पहले, इतने दिन हो गए हैं, तो ये आप देख सकते हो ऊपर से पत्थर नीचे गिरे हैं। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा तालाब था, यानी डन वगैरह बनी हुई थी, तो यहाँ पर काफ़ी गहरी थी। तो पिछले साल एक लड़का भी यहाँ पर फोत हुआ था डूब कर, यानी काफ़ी गहरी जगह थी। लेकिन अभी आप देखें तो ये पत्थर, बहुत बड़ा पत्थर आके नीचे गिरा है और ये डन भी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। ये आप सीन देखें, और यहाँ पर हम आकर नहाते थे लेकिन ये भी बिल्कुल ख़त्म हो गई है।